सोचिए, तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। ये परिवार है, पिता है, एक महीने की बच्ची है इसकी, और बारिश शुरू हो चुकी है। आपको बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो रही है और सर्दी है, कड़क सर्दी पड़ रही है। ये रिक्वेस्ट करा, गुहार लगा रहा है कि भैया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन प्रशासन के अधिकारी हैं, मानने को तैयार हैं। हाँ जी, बारिश हो रही है, एक महीने का बच्चा मैं कहाँ लेके जाऊँ? पिछली बार तोड़ दिया, तिरपाल डाल के रह रहे थे, फिर भी अब फिर पूरे ही खत्म कर रहे हैं। मौसम खराब है, हम कहाँ जा रहे हैं? ये देखिएगा, गुहार लगा रहा है पिता बार बार गुहार लगा रहा है कि भैया मेरी मकान छोड़ दो, मेरा मकान। आज बारिश हो रही है, एक महीने की बच्ची है, कड़कड़ाते की ठंड पड़ रही है। सीधा सीधा है, गरीब कहाँ मरे, गरीब कहाँ जाए। डीलर और बिल्डर यहाँ पर है, आपको बता दूँ, अवैध प्रॉपर्टी काट के चले जाते हैं, करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा के निकल जाते हैं, लेकिन पिस्ता गरीब है। फिलहाल में तमाम जितना देखिए, पुलिस फोर्स बुलाई गई है और इस कॉलोनी को तोड़ने के लिए अच्छी खासी, आपको बता दूँ, प्रशासन का अमला जमला पहुँचा है। ये डीलर का ऑफिस है, एक महीने पहले तोड़ा फिर बना दिया, मतलब डीलर किसी डरता नहीं है। मुझे लगता है किसी ना किसी पॉलिटिकल शह पर जी रहा होगा, तब इसने द्वारा अपना ऑफिस बना दिया। देखिए, गरीबों के मकान वैसे के वैसे जस के तस हैं। आज गरीबों के मकान बनाए गए, कुछ मकान बने हैं, उनको तोड़ने के लिए प्रशासन अमला जमला पूरा पहुंचा, फोर्स के साथ पहुंचा है। ये फैदाबाद के इस्माइलपुर का आसपास का एरिया पड़ता है, उधर दिल्ली है, मुश्किल से 100 मीटर दूरी पर दिल्ली पड़ती है, इधर फैदाबाद का हिस्सा पड़ता है। देखिएगा, पिता गुहार लगा रहा है। ये देखिएगा, कहाँ गया वो पिता, पूछते हैं। उसका मकान वहाँ है, वो पिता वो रहा, उसका मकान वहाँ है। अधिकारी साहब से गुहार लगाने आया था, लेकिन शायद गुहार नहीं सुनी गई, मकान तोड़ा जाएगा।